नमस्कार, मैं रजा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर दिन पर दिन तपिश तेज होती जा रही है। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के साथ साथ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। तो वहीं इसी बीच एनसीपी नेता अजित पवार ने महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग से महज एक हफ्ते पहले विपक्ष को एक नया सियासी मसाला दे दिया है। ये तो सब जानते हैं कि कांग्रेस पहले से ही गौतम अडानी और बीजेपी लीडरशिप की करीबी को लेकर सवाल उठाती रहती है। ऐसे में अजीत पवार के नए खुलासे ने विपक्ष को हमला करने का एक नया हथियार दे दिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दावा किया है कि 5 साल पहले बीजेपी और तत्कालीन एनसीपी के बीच महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर बातचीत हुई थी और उसमें दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं समेत उद्योगपति गौतम अडानी भी शामिल थे। अजीत का ये बयान चुनाव के समय आया है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखिए। पहले आपको याद होगा कि 2019 में अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत करते हुए बीजेपी के साथ सरकार बनाने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू के दौरान, सबको पता है कि मीटिंग कहां हुई थी, सब लोग वहां मौजूद थे। वहां पर अमित शाह, गौतम अडानी, प्रफुल्ल पटेल, देवेंद्र फडणवीस और पवार साहब मौजूद थे। उस वक्त जो कुछ हुआ वो सब पवार साहब की पूरी जानकारी में था। उन्होंने जो भी किया एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में अपने नेता का अनुसरण करते हुए किया। हो सकता है कि अजित पवार इस खुलासे के माध्यम से एक बार फिर बताना चाह रहे हैं कि 2019 में जब उन्होंने 72 घंटे का विद्रोह किया था तो चाचा शरद पवार की सहमति या अनुमति से किया हो। वो इस माध्यम से भले ही चाचा शरद पवार पर निशाना साध रहे हों, लेकिन उनके इस खुलासे ने बीजेपी को चुप करा दिया है। बीजेपी ने अजित पवार के सनसनीखेज दावे पर मौन साध लिया है। आपको बता दें कि अजित पवार ने अगर शरद पवार पर निशाना साधा है तो उन्होंने बीजेपी को भी नहीं छोड़ा है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी आरएसएस का एक तबका उनके साथ गठबंधन को लेकर सहज नहीं। विधानसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अजित पवार ने जहां योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर आपत्ति उठाई तो वहीं नवाब मलिक को टिकट नहीं देने के बीजेपी के अनुरोध को भी ठुकरा दिया है। कुल मिलाकर उनकी कवायद खुद की सियासी जमीन को बनाए और बचाए रखने की है। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।